कौन है बोला खान? कौन बोली? उसको मुल्ला खान, उसका इस घर में जानने वाला कोई नहीं। कम मर गया, वो बच गया चाची, पर बाली मर गया। मरने वाला ये तो बताए, मौत कैसे हुई है? मारा किसने? न गोली चली जजी, ना किसी ने तलवार से वार किया। जबान के दो बोल सुनकर बाली ने दम दे दिए। यार तू बोलों से मर जाता है बाली? ना कर यार। ओए चची, किसी दिन तू अपने चाहने वालों का दरवाजा खड़काए और तेरा नाम सुनकर अंदर से ये आवाज आए कि कौन चची, तो अल्लाह की कसमें तू बूए पर ही खड़ा खड़ा मर जाए। वेरी क्रूवल, पर तू तो हुक्म को मारने गया था, ये रास्ते में तेरे चाहने वालों का कार कैसे आ गया? सोचा मिल मिला कर जाऊं, खबरें फिर मिलना नसीब हो कि ना हो। तू रापी और रामस से मिलने क्या था? कौन रामस? कौन रामस? रामस एक उलझन सी पै गई है मास्टर साहब, हुक्म को जिंदा देखने को दिल नहीं करता और उसे मारने की इजाजत नहीं मिलती। समझ नहीं आता मास्टर साहब क्या करूं। तुझे कोई इजाजत लेने की जरूरत है बाली? जरूरत है मास्टर साहब, इसीलिए तो अभी तक हुक्म के साथ चल रहे हैं। इजाजत कौन नहीं देता? उसी का तो पता नहीं चलता मास्टर साहब, कोई दुश्मन है
जो मेरे अंदर लुक कर बैठ गया है, बड़ा ही नहीं देता। जो तेरे अंदर छुपकर तुझे दिखाई नहीं देता, उसको मैं ऐनक लगाने वाला कैसे ढूंढ लूं पुत्र? लगता है आपने भी पढ़ लिख कर गवाया मास्टर साहब। नहीं ओए बाली, मेरा और तेरा फर्क ये है पुत्र कि मैंने अपने अंदर किसी दुश्मन के छुपने के लिए कोई दर खुला नहीं रखा। फिर तो ये बनता है मास्टर साहब कि मैं हुक्म को मार दूं। ओए हुक्म को मारने से पहले पता कर ले पुत्र कि अंदर जो छुप के बैठा है वो तेरा दुश्मन है या कोई सज्जन है जो तुझसे पछाड़ा नहीं चाहता। मैं बाली हुकुम बंदे लेकर तुझे ढूंढता फिरता है। पछाड़ लिया मास्टर साहब, पछाड़ लिया। जो मेरे अंदर लुक कर बैठा वो मेरा सज्जन नहीं है, पछाड़ लिया। सियाने कहते हैं जिसे तैरना आता हो दरिया के कंडे पे खड़ा होकर डुबन वाले के लिए दुआ ना करे। दरिया में कूदकर जान बचाए उसकी, बचा ले उसे। उसके हाथ से हथियार छीन लो अम्मा। मैं छीन सकती हूं क्या? हां तू छीन सकती। दरिया में कूद, शादी कर ले उससे। मैर साहब, बार आपसे यावर कमाल मिलने के लिए आया। यावर कमाल आया मुझसे मिल? मुकल्लम खुद। लगता है उसका फोन खराब हो गया भाई। अंदर बुला उसे। मैं समझती हूँ तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए बाली को दरवाजे से भेज देना ही काफी था। ये आप समझती हैं मामा। मैं समझता हूँ अपने बाप का घर छोड़ने में बाली और रामेश में तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है।
मैं आपको बताऊं मामा, ये तो घर ही नहीं है। Shut up, Ravis. Can't you see, Mom? I've already shut up. Ravi कहाँ है? वो इतनी तकलीफ थे रात की सुबह नहीं देखना चाहती थी इसलिए मुझसे पहले चली गई। By the way, मामा, वो घर किसके नाम पे है? आपके इस तरह खाली हाथ तशरीफ लाने पे जरा इतराज है मुझे। आपके हाथ में सफेद रंग का चड्डा क्यों नहीं है? हाथ में सफेद झंडा इसलिए नहीं है चाचा जी, क्योंकि मेरे हाथों से भी खून का रंग नहीं उतरा। तो पुत्र जी, आपको दो दफा साबुन से हाथ धोकर आना चाहिए था ना। ये सोच कर आया हूं चाचा जी कि दोनों मिलकर हाथ धो लेते हैं ना, मेरे हाथ आपके हाथों पर रहे। सिद्धि तरह ये कौन है यावर कमाल? बाली के जिंदा रहने की गारंटी मांगने आया हूं। ओए हुक्मा, चुप कर तू, घर में मेहमान आया है। आप तशरीफ रखें पुत्र जी। इसको समझाएं चाचा जी, समझाएं इसको। बाली के जिंदा रहने की गारंटी मांगूंगा तो इसके जिंदा रहने की भी गारंटी देकर जाऊंगा। अब्बा जी कहते हैं तशरीफ रखिए और याद रखिए यावर कमाल साहब, हुक्म को जिंदा रहने के लिए यावर कमाल की गारंटी नहीं चाहिए। चुप तो चुप कर, चुप कर तू, बैठ बैठ के बात कर। आप भी बैठे पुत्र जी, बैठे। अब बताएं आप क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं? मैं तो कहता हूं चाचा जी, दुश्मनी को कब्र खोद कर दफना दिया जाए ना, आपको बंदूक वाले साथ लेकर चलना पड़े
ना ही मुझे। भाई बात तो आपकी ठीक है पुत्र जी, पर बात पूरी नहीं है। बात आप पूरी करते हैं। देखो ना पुत्र जी, बैठ के हिसाब कर लेते हैं। भाई हमारी तरफ आपका कुछ निकलता होगा तो हम दे देंगे, आपकी तरफ हमारा कुछ निकलता हो तो आप दे देंगे, साफ बराबर। हमसे पैसे का तो झगड़ा ही नहीं है चाचा जी। वो पैसों की बात कौन कर रहा है पुत्र जी, मैं तो मरने वालों की गिनती गिनकर साफ करता हूं। और मेरा साहब ये कहता है कि एक बाली की लाश मिल जाए तो साफ बराबर। ये तो इनकार हुआ चाचा जी, ये इनकार नहीं है यावर कमाल। ये हल है, ओए बाली मरेगा, बाली मरेगा तो बंदूकों को संग लगेगा, वरना गोलियां चलती रहेगी। इसे चुप कराएं चाचा जी, चुप कराएं इसे। इसकी बंदूक से कोई वादू गोलियां नहीं चलती। तो ना जी, इसे तो तीन से आगे की गिनती नहीं आती है, वरना आज बगैर शर्त के सुलह ना हो जाती। मैं आपको कसूर मान कराया हूं चाचा जी, जो हो गया उस पर मिट्टी डाले। प्रोग्राम तो मेरा भी यही है पुत्र जी, पर मिट्टी मैंने वही डालनी है जो आप बाली की कब्र से उठा कर लाएंगे। लगता है चाचा जी आपको अपने पुत्रों से सच्ची मोहब्बत नहीं है। अल्लाह, लगता है पुत्र जी आप चाय पीने से पहले ही चले जाएंगे। मैं चला तो जाऊंगा चाचा जी, लेकिन एक बात बताकर जाऊंगा, अगर मेरी बात पर गौर ना किया चाचा जी तो अगली बार आपको मेरे घर आने पर गौर करना पड़ेगा। अल्लाह जानता है पुत्र जी, अल्लाह जानता है आपके घर आने को मेरा दिल तो बहुत करता है, पर उस दिन आप हरे कर हो ना हो। रब रखा, रब रखा पुत्र जी, रब रखा। बहुत सेक में हुक्मा, चीज के सड़ जाने का डर बहुत होता है। ना पुत्र, मैं मान घर में
और हमें कार से बाहर आना चाहिए। अरे बेवकूफा, दुश्मन अगर हाथ जोड़ के माफी मांगने आ जाए तो मना नहीं होता है। अच्छा जी, तो आपके ख्याल में वो हाथ जोड़ के माफी मांगने आया था ना अब्बा जी? खरी खरी धमकियां सुना के गया है आपको? बेटे मुंह मत तेरी अकल का। ओए अकला वालिया, ओए उस बेचारे ने क्या धमकी देनी है जो हाथ में सुलह की अर्जी उठाए फिर रहा है? अब वो भी अल्लाह खैर करे, यावर कमाल है, माफी भी ऐसे ही मांगेगा जैसे तू मेरी बात मानता है। अगर ऐसी बात थी अब्बा जी, तो बाली की लाश मांगने की बजाय जोरा का रिश्ता मांग लेते। एक बारी फेर फिटे मुंह तेरा, और फेर फिटे मुंह तेरा, और यावर कमाल जोरा का मामा लगता है। और मैं तो हैरान हूं तेरी अकल पे हुक्मा, बल्कि मैं तो डर गया हूं भाई। वो तेरा क्या पता है? वो कल को सड़क पे चलते हुए तू गड्डी रोक करके अब्बा जी ये जो पुलिस वाला खड़ा है ना, इसे जोरा का रिश्ता मांग ले। और जा रहे सो जा, जा जा सो जा जाके हरे सुते हुक्म की अकल जाग पड़े। और सो जा। जोरा का रिश्ता मांग पागल का पुत्र। सुना है यावर कमाल आया था? क्या आया था? किस लिए? अब्बा जी कहते हैं वो माफी मांगने आया था, पर मैं कहता हूं धमकियां देने आया था। उसने धमकियां दी तो जिंदा वापस क्यों जाने दिया उसे? उसके यहां पहुंचते ही अब्बा जी ने उसका नाम मेहमान रख दिया था। इधर अब्बा जी उसे मेहमान बुला कर बैठे हैं, और सुना है उधर बाली अपने मेजबान को टूटता फिरता है। उसकी नजर बच जाने वाली उन तीन गोलियों पर है जो मैं गलती से बुझा लाया था। दिल तो करता था कि जोरा को वो अपने हाथी विद्या करे, पर लगता है ब्याह से पहले फूड़ी देखनी पड़ेगी। मार दिया उसको? नहीं, मेरे हाथ नहीं आया। उसके तीन आदमी मिले थे, उनका पता नहीं जिंदा है कि नहीं। तू समझ के हुक्म मर गया है? मैंने तो यह भी समझ लिया है कि तू भी मर गया है। ओए, हुक्म के मारने से बाली मरता नहीं है जोरा। मेरी नजरों से गिरकर तू मर गया है, और अब तुझे तो मेरी दुआएं भी नहीं बचा सकती। वो ये क्या कह रही है खाला, इसे समझा। कह रही है होश कर बाली, होश कर। होश कर, होश कर।
हुकुम को जिंदा छोड़ दूंगा तो बार बार लोग मुझसे कहेंगे कि होश कर बाली, होश कर। तू उसे बोल खला कि ये होश करे, होश करे ये। ओए अच्छा भाई अच्छा, और तीनों को अस्पताल दाखिल कराओ। ओए पुलिस केस है तो अपना डॉक्टर बुला के अपने फार्म हाउस पे गोलियां निकलवाने का बंदोबस्त कर। तुझे एक मशवरा दूं कुमार, अब तू अपनी मर्जी कर। बाली को जहां दिल करे, जिस वक्त दिल करे, गोली मार दे, मार दे उसे। टेलीफोन पर कौन था? मुंशी खान। उसने इत्तला दी है कि बाली का पीछा करने वाले तेरे तीनों बंदे बाली ने फटर कर दिए। तू बाली को ढूंढता फिर रहा है हुक्म, और बाली तुझे ढूंढता फिर रहा है। ये लुकण मिट्टी का खेल है बजे, जो छुप रहा है वही तू ढूंढ रहा है। ढूंढ लेना पुत्र, तो इस दफा तीन गोलियां मेरी तरफ से भी मारना, और तेरी जिद पूरी हो जाएगी और उसकी खुराक पूरी हो जाएगी। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। खाला जी, ये सुरैया बतूल के भाई हैं, यावर कमाल। किससे मिलना है आपको? मुझे आपसे, जोरा से। मैं दरवाजे पर आ गया हूं तो ये मत सोचिए कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है। बस अपनी नफरत से कहिए कि इतनी गुंजाइश जरूर रखे कि मुझे अंदर आने की इजाजत मिल सके। आप अंदर आइए। मैं बाली से मिलने आया था, ये सोच करके उसे हाथ से पकड़कर रास्ते पर ले जाऊंगा जहां बारूद नहीं पड़ता, लहू की तिजारत नहीं होती, जहां जिया जाता है और जीने दिया जाता है। लेकिन वो हाथ छुड़ाकर चला गया। हाँ, वो हाथ छुड़ाकर चला गया। वो यहां से भी दामन छुड़ाकर निकला था। सुना था वो तुम्हारी बात आसानी से टाल नहीं सकता।
ये भी सुन लीजिए, वो मुझे धुतकार कर चला गया है। फिर तो बाजी हम हार जाएंगे सुरा। बाजी हारी जा चुकी है, अब तो सिर्फ ये तय करना बाकी है कि अगर हुक्म बाली के हाथों मर भी गया तो बाली को जिंदगी कौन देगा। उसे रोको जोरा, उसे बताओ जब मौत यहां पहले से मौजूद है फिर किसी हुक्म को मारना कोई नया काम नहीं है। बच के आएगा तो ये भी कहूंगी उसे। ये भी कहना यावर कमाल ने मौत के खेल में यही सीखा है कि सामने वाला हार भी जाए तो अपनी जीत नहीं आती। लुक डाउन, मेरी तरफ गुस्से से ना देख। मास्टर साहब कहते हैं उसे बस अल्लाह ही रोकेगा। किस्मत बदलने के लिए तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे दफ्तर में आया। क्या अनशन बोल रहे हो? तुम समझते हो 10-15 साल कनाडा में रहने से तुमने सुरैया बतूल पर हुकूमत करना सीख लिए? इसलिए हो सकता है कि अब की बार मौसम बदले तो कोई तुम्हारे ही लहजे में तुम्हारे सामने बोल पड़े। मेरी मुसीबत ये है मामा कि मुझसे चला नहीं जाता और मैं गिरते हुए को उठाना चाहता हूं। तुम चलना सीख लो तो बाली से मिलने चले जाना। मुझे नहीं रोकेंगे क्या?
नहीं मामा, एक बार मैंने यावर अंकल से कहा था माँ को कोई हरा नहीं सकता, और आपसे कहती हूं कि सुरैया बतूल कभी जीत नहीं सकती। मैं अपनी मामा को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। How compassionate, sweetheart. I don't need your compassion. I love you, mama. I love you too. तुमने तारीख नहीं पढ़ी हमशीरा, बादशाहों को भी हुकूमत करने के लिए खत्म हो जाने वाला वक्त मिलता है, और उस वक्त के खत्म हो जाने के बाद बादशाह मर जाते हैं, जिंदानों में धकेल दिए जाते हैं, या फिर उनका सर काटकर उसी तख्त की गद्दी पर उछाल दिया जाता है जहां एक रोज सर पर ताज पहनाया गया था। आज मैं तमाशा देखने वालों में खड़ा हूं, सुरैया बतूल। और देख रहा हूं मकीन
चाहे सुरैया बतूल हो, छत और दीवारें मिलकर घर नहीं बन सकता। तुमने मुझे सुरैया बतूल कहा? इसलिए कहा है कि जो औरत मां कम होती है वो हमशीरा ज्यादा कैसे हो सकती है? हर पत्थर के अंदर एक शीशा होता है यावर कमाल, और तुम जैसे लोग शीशा ढूंढकर पत्थर मारते हैं। मेरे पत्थर मारने से क्या होगा? एक जरा सा शीशा टूट जाए तो पत्थर की इमारत का कुछ नहीं बिगड़ता। वापस चले जाओ यावर कमाल, इससे पहले कि तुम्हें खबर हो जाए कि वो पत्थर की पूरी इमारत उसी शीशे पे खड़ी थी। इसे क्या हुआ खाला? सुन पुत्र, अब अपनी अमानत अपने साथ ले और अपने घर का बुआ खोल। मतलब खाला? जोरा से अपने व्याह की तारीख रख और मेरे सिर से इसकी जिम्मेदारी उतार। खाला, तूने तो मेरे मुंह की बात कर दी। जो तेरे मुंह की बात है वो मेरे दिल की बात नहीं रही। से शादी नहीं करूंगी। वही खाला, वेख मेरे साथ मखौल करती है। मैं मखौल नहीं कर रही, मैं अपने दिल की बात सुना रही हूं। देख ले जोरा, सोच ले जोरा। पहले देख कर कहती थी, अब सोच के कह रही हूं। मैं मुंह फेर कर चला जाऊंगा। तू नहीं जाएगा तो मैं मुंह फेर कर चली जाऊंगी। पागल हो गई है तू? बस कर अम्मा, बस इसके यहां से चला जाए। बाली और जोरा की टूट गई। मुक गई जोरा, गली मुक गई। अब पिछू आवाज ना देना। बाली वक्त का नाम है, एक बारी गया तो मुड़ कर नहीं आता। ये तूने क्या किया है जोरा? और क्या करती? कफन सिराने रहकर सारी सारी रात अपने शौहर का इंतजार करती। जिसने चार दिन बाद मरना है, मान लेती हूं कि चार दिन पहले मर।